वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज जो है हमने नेक्स्ट थ्री अहादीस डिस्कस करनी है। टेस्ट नंबर 8, तुम सब निगेबान हो। हदीस नंबर 6 है, और तुम सबसे अपनी रआया के मुतालिक बाज फोर्स होगी। जी, इसका मतलब क्या है कि आप सब से अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल जवाब क्यामत के रोज किया जाएगा। ठीक है, जैसे एक हुकूमत है, हुकूमत से पूछा जाएगा अवाम के ऊपर उन्होंने कितना खर्च किया, कैसे खर्च किया, किस तरीके से खर्च किया, क्या उन्होंने हलाल किया या हराम किया, हराम कमाया या हलाल जो है वो कमाया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों का जो सवाल जवाब है पूछा जाएगा। इसी तरह एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, पेरेंट्स हैं, फिर आगे से बच्चे हैं, फिर वो जो औलाद और वालदैन और वालदैन और औलाद और बहन भाई और रिश्तेदार, सबसे उनकी जिम्मेदारियों के बारे में सवाल और जवाब किया जाएगा। कोई जॉब करता है उससे भी क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा कि तुम जब काम कर रहे थे या कोई भी, तो तुम किस तरीके से कर रहे थे और या ये वक्त तुमने कहाँ लगाया अपना। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि तुम सब निगेबान हो और तुम सबसे अपनी राया के मुतालिक बातपुरस होगी, यानी सवाल और जवाब किया जाएगा। नेक्स्ट हदीस है, आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है के वो हर सुनी सुनाई बात आगे मुंतकिल कर दे। जी, तो ये हदीस में कहा गया है कि कोई भी इंसान झूठा होता है जो आपसे कोई बात सुने, फिर अगले से कोई बात सुने, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, जो भी बात सुने उसको वो आगे पहुंचा दे। ठीक है, अब कोई ये भी होता है कि कोई आपका राज नहीं रखता। ठीक है, आप उसको कोई बात जमानत के तौर पे बताते हैं, लेकिन वो उस बात को एट अ टाइम सुन लेता है, लेकिन वो आगे किसी को बता देता है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के झूठा होने की यही दलील है, यही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा देता है, मुंतकिल कर देता है। तो वो आदमी क्या होता है? झूठा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। समझ आई? इसका मतलब यह है कि आप में से मुसलमान सिर्फ वही है जिसके जुबान और हाथ महफूज रहे। ठीक है, तो आपने आपने किसी भी मुसलमान भाई बहन भाई को अपने हाथ से नुकसान नहीं पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ भी नहीं करना। इस तरह क्या होगा, आप फिर वो मुसलमान के दायरे से बिल्कुल खारिज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ अहादीस, आपने इसको अच्छे से याद करना है। पहले वाली अहादीस को भी आपने अच्छे से याद करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दुआएं, जो आप इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आपको लेक्चर में करवाई जाएंगी। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।